लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 1 जनवरी को 47वां के हो गए। सेंटर में पावर मिनिस्टर का पद संभाल चुके ग्वालियर के महाराज ने हाल ही में ऐलान किया था कि वे राज्य में बढ़ते किसानों के सुसाइड्स की वजह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। हम इस मौके पर देश के इस यंग पॉलिटिशियन से जुड़े फैक्ट्स बता रहे हैं। ज्योतिरादित्य ग्वालियर के महाराज रहे माधवराव सिंधिया और माधवी राजे सिंधिया के बेटे हैं। इन्होंने यूएस की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1993 में बीए इकोनॉमिक्स की डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद 2001 में यूएस की ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। वैसे तो ये अपना ऑफिशियल रेसिडेंस ग्वालियर स्थित जय विलास लश्कर पैलेस को बताते हैं, लेकिन पॉलिटिकल एफिडेविट्स में इन्होंने कभी इस पर कभी अपना मालिकाना हक नहीं बताया। 2014 में सबमिट किए हलफनामे के मुताबिक ज्योतिरादित्य के पास मुंबई में 2 फ्लैट हैं, जिनकी कंबाइंड कीमत 28.4 करोड़ रुपए है। इस अलावा इनका दिल्ली में 98 लाख का फ्लैट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीएसएनएल के कर्जदार हैं। भोपाल के एडीजी कोर्ट में इन पर 6.5 लाख रुपए के फोन बिल का केस चल रहा है। यह केस इनकी दादी विजया राजे सिंधिया पर हुआ था। वारिस होने की वजह से इनका नाम भी केस में शामिल है। इस विरासती केस के अलावा इन्हें एक बीएमडब्ल्यू भी विरासत में मिली है, जिसकी कीमत इन्होंने मेंशन नहीं की है।